इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजाना ना भूलें। एक ठोस शुरुआत से सफल बिजनेस की नींव पड़ती है। उदाहरण के लिए एक मकान की नींव जितनी ठोस होगी, मकान की उम्र भी उतनी ही लंबी होगी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यापार की नींव जितनी मजबूती से रख सकते हैं उतनी मजबूती से रखिए और इन सभी आवश्यक कदमों का पालन करें। आत्मविश्वास के साथ उठाए गए इन 10 कदमों से आप अपने व्यापार को एक ठोस शुरुआत दे सकते हैं। नंबर 1, बिजनेस आइडिया। आपको बिजनेस आइडिया का चुनाव सिर्फ पैसे बनाने के दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, बल्कि आइडिया आपके अनुभव और व्यक्तित्व के हिसाब से उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए काफी समय और मेहनत की आवश्यकता होती है और एक अच्छे बिजनेस आइडिया का स्रोत भी हमारे आसपास के जीवन से ही मिलता है। बिजनेस आइडिया की पहचान करने के बाद इसे वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत होती है, क्योंकि आइडिया सिर्फ एक कल्पना है और इसके सफल होने का आंकलन भी सिर्फ इस कल्पना को हकीकत में परख के ही किया जा सकता है। एक बिजनेस तब सफल होता है जब वह किसी समस्या का हल दे रहा हो, या किसी जरूरत को पूरा करता हो, या फिर बाजार की मांग की पूर्ति करता हो। इन जरूरतों को पहचाने, इन पर रिसर्च करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें। इसमें आप अपने परिवार वालों और मित्रों की भी सहायता ले सकते हैं। नंबर 2, बिजनेस प्लान। आपके बिजनेस जीवन की यात्रा बहुत लंबी होती है और बिना किसी मंजिल के आप दिशा भ्रमित हो सकते हैं। व्यवसायिक जीवन में बिजनेस प्लान का बहुत महत्व है, जो आपको अपने लक्ष्य पर चलते समय सही राह पर रहने में सहयोग करता है। यह आपके बिजनेस की कल्पना से लेकर स्थापना और फिर अनंत तक विकास में मार्गदर्शन करेगा। यदि आप किसी निवेशक या लोन देने वाली संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिजनेस प्लान बनाना बहुत ही आवश्यक है। चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर, यानी कि व्यवसायिक संरचना चुनें। एक व्यवसायिक संरचना का चुनाव बहुत ही आवश्यक है, जो कि पार्टनरशिप या लिमिटेड कंपनी हो सकती है। हर संरचना के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसका प्रभाव आपके बिजनेस के दायित्व या टैक्स पर पड़ सकता है। एक वकील या अकाउंटेंट की सलाह से आप बिजनेस की जटिलता के आधार पर सही संरचना का चुनाव सुनिश्चित कर सकते हैं। नंबर 4, रजिस्टर योर बिजनेस नेम। आपके बिजनेस का नाम एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए यह अच्छा होना चाहिए और प्रभावी भी। उदाहरण के लिए Amazon ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी, यह नाम एक नदी से लिया गया है, अर्थात यहाँ पर यह शब्द यह दर्शाता है कि यह कंपनी भी इसी नदी की तरह बहुत ही विशाल है। इसी तरह आपको अपने विकल्पों को अच्छे से आंकते हुए तथा सभी संभावित प्रभावों को सोचते हुए नाम का चुनाव करना होगा। जब आप अपने बिजनेस के लिए एक नाम चुन लेते हैं, तो आपको यह जांचना होगा कि क्या यह ट्रेडमार्क किया हुआ है या वर्तमान में उपयोग में तो नहीं है, और उसके बाद आपको इसे पंजीकृत कराना होगा। अपने बिजनेस के नाम का चयन करने के बाद उसका लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह का चुनाव करना होगा। जैसे Amazon में यह एरो दर्शाता है कि उनके पास A से लेकर Z तक का हर सामान उपलब्ध है, इसी तरीके से आपको अपने लोगों का चयन करना होगा, जो आपके बिजनेस की खूबियां या जो आप काम करते हैं वह दर्शाए। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो आपको अपने बिजनेस को डिजिटल तरीके से भी स्वरूप देना होगा। इसके लिए डोमेन नेम, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पेज बना सकते हैं। इससे आप कम पैसों में ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। नंबर 5, प्लान योर फाइनेंस, यानी कि वित्तीय योजना बनाएं। आपके बिजनेस आइडिया पर निर्भर करता है कि आपको बिजनेस को शुरू करने के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने बिजनेस के शुरुआती खर्चों का अनुमान लगाएं, जैसे लाइसेंस, परमिट, मशीन, सॉफ्टवेयर, कानूनी शुल्क, इंश्योरेंस, ब्रांडिंग, प्रॉपर्टी आदि, और बिजनेस को कम से कम 12 महीनों तक चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना जरूरी है। बिजनेस के लिए कई तरीकों से पूंजी का स्रोत ढूंढा जा सकता है,
जिसमें खुद की बचत के पैसे, परिवार के लोगों या मित्रों से सहायता, फाइनेंसिंग, वित्तीय संस्थानों से लोन, सरकारी अनुदान और क्राउड फंडिंग शामिल है। आप अपने कारोबार को बूटस्ट्रैपिंग से शुरू करने की कोशिश करें, यानी कि जितनी कम से कम पूंजी की जरूरत हो उतनी ही लगाएं। नंबर 6, गेट लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड परमिट्स। अपने बिजनेस पर लागू होने वाले लाइसेंस, इंश्योरेंस और परमिट का पता करें। आपके द्वारा शुरू किए गए बिजनेस के प्रकार और आपकी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और परमिट लागू हो सकते हैं। यदि आप अपना खर्च कम रखना चाहते हैं, तो खुद से भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं या फिर कुछ जानकार लोगों से संपर्क करके इन बातों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। नंबर 7, बिजनेस सिस्टम। आपके बिजनेस पर निर्भर करता है कि आपको किस तरह के सॉफ्टवेयर या कार्य प्रणाली की जरूरत है। आप उसको खुद बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन सब्सक्राइब करना चाहते हैं। आज के दौर में शायद ही कोई बिजनेस है जिसमें किसी न किसी तरह का सॉफ्टवेयर उपयोग नहीं होता है। नंबर 8, सेटअप योर बिजनेस लोकेशन। अपनी बिजनेस संरचना और आइडिया के अनुसार आपको कार्य स्थान का चुनाव करना होगा। घर को ऑफिस बनाएं या एक साझा निजी कार्यालय लें। उदाहरण के लिए, अगर मैं इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य करना चाहता हूं और मैं एक ऐसे सुदूर गांव में अपना ऑफिस ले लेता हूं जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि वह स्थान उस प्रकार के बिजनेस के लिए उपयुक्त है कि नहीं। आपको अपने स्थान, उपकरण और संपूर्ण सेटअप के बारे में सोचना पड़ेगा और आपको यह भी विचार करना होगा कि क्या उस स्थान को खरीदना उपयुक्त है या फिर लीज पे लेना। नंबर 9, गेट योर टीम रेडी। यदि आप कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहते हैं, तो सही समय पर प्रक्रिया शुरू कर दें और उन पदों तथा उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों की रूपरेखा अच्छे से बनाएं। यदि आप अकेले ही बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको शायद कर्मचारियों की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको अपनी सहायता के लिए एक टीम की जरूरत पड़ेगी। इस टीम में एक परामर्शदाता होना जरूरी है, जो कि आपका एक परिवार वाला भी हो सकता है। बिजनेस का रास्ता चुनौतियों से भरा होता है, जिसमें सलाह, प्रेरणा और आश्वासन का बहुत महत्व होता है, जिसके लिए एक विश्वसनीय परामर्शदाता जरूरी है। नंबर 10, क्रिएटिंग मार्केटिंग प्लान। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ग्राहकों को आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विभिन्न पहलुओं पर विचार करके एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाना चाहिए। बिजनेस को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और आपको आपके पास उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग करना बेहद जरूरी है, परंतु एक अच्छे प्रोडक्ट और उत्तम ग्राहक सेवाओं पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.businesskahani.com, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, बिजनेस करना अपने आप में एक अलग जीवन शैली है और इसको पूरी तरह अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अच्छे से मन लगाकर काम करने से आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक महान व्यक्ति ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। हमें फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें।